हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट या डेफिनेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद इक्वेशन लेंगे जिसे हम अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे हम किसी भी गिवन फंक्शन का किसी गिवन क्लोज इंटरवल के अंदर उसको हम कैसे सेटिस्फाइड करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ये दो कंडीशंस, अगर कोई एफ ऑफ एक्स कोई रियल फंक्शन दिया गया है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो अगर दो कंडीशन को वेरीफाई करे। फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हैं कि दिए गए फंक्शन पॉइंट क्लोज इंटरवल के अंदर वो फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस है। जैसे जो है इस फिगर में आप देख रहे हैं ए बी, ए और बी क्लोज इंटरवल के अंदर ही एक ऐसा कर्व है, स्मूथ कर्व है, जो क्या है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा इसमें है सेकंड कंडीशन एफ ऑफ बी इज डिफरेंसिबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंसिबल मतलब होता है उसमें कोई शार्प प्लेस नहीं होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए। इसमें देखो स्मूथ कर्व है, इसमें शार्प कर्व नहीं है, तो ये क्या है, ये डिफरेंसिबल है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था फ्रेंड्स, और अगर आपने नहीं जो है देखा है सबसे पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हमने डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम में कि यहाँ ओपन क्यों है, क्योंकि देखो इसके दोनों पॉइंट्स, हमारे जो फिगर है इसमें दोनों पॉइंट देखिए, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ओपन है, और ओपन पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाते हैं, इसलिए हम इसे क्लोज इंटरवल ना लेकर के ओपन लेते हैं। इस ए और पॉइंट को और बी पॉइंट को इग्नोर करके बाकी के जो हमारे उसके बाद के जो कर्व हैं उसे हम ओपन इंटरवल के में लेते हैं, ठीक है, वो डिफरेंसिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस वेरीफाई कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स उस फंक्शन की कोई एक वैल्यू सी ऐसा जरूर होगा जो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या चीज़ है। तो हम इसके ज्योमेट्रिकल जो है इंटरप्रिटेशन में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ फिगर आपको दिख रहा होगा, हमने क्या करा, ए और बी क्लोज इंटरवल में एक कर्व बनाया, और इसमें क्या करेंगे, हम ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं। ए और बी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ए है और वाई एक्सिस पे क्या है, एफ ऑफ ए है। तो ए को, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। ए जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू है और एफ ऑफ ए वाई एक्सिस की वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी का एक्स एक्सिस पे वैल्यू है बी और इसका एफ ऑफ वाई एक्सिस पे एफ ऑफ बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम ए बी, इसका अगर ए बी का हम स्लोप निकालना चाहें, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है कि मान लो अगर दो पॉइंट ए बी है, अगर उसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वन वाई वन ए का और x2 y2 b का, तो इसका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां y1 जो है, यहां y2 और y1 क्या है, f ऑफ a और f ऑफ b है, और x2 x1 x2 क्या है, a और b है। तो उसके प्लेस पर जब हम लिखेंगे, देखो यहां a का कोऑर्डिनेट क्या है, a f ऑफ a, तो y के प्लेस पे हम लिखेंगे तो, और y का क्या है, b f ऑफ b, तो y2 क्या है, f ऑफ b है, तो y2 हमारा हो गया f ऑफ b, और y a क्या है, f ऑफ a है, तो y1 क्या, तो हो जाएगा y1 के प्लेस पे f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, b माइनस a। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ये कंडीशन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन जो है क्या हो, f ऑफ a पे कंटिन्यूअस हो इन ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, और f ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंसिबल हो, तो उस क्लोज ओपन इंटरवल में एक्स की उस फंक्शन की एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका डिफरेंशियल उसके स्लोप, ये स्लोप निकला था स्लोप ऑफ ए बी, उस स्लोप के बराबर हो।
इस कहानी का मतलब यह है जो हमारा स्लोप आप ए बी है, तो इस कर्व में एक टेंजेंट ऐसा जरूर होगा। डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व। तो इस ए बी के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट जरूर खींचा जा सकता है। तो कोई यहाँ पे तो पी पी पे टेंजेंट खींचेंगे, ये भी जो है स्लोप ऑफ ए बी के पैरेलल है। क्यू वाले पॉइंट पर भी अगर हम टेंजेंट खींचे तो ये ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ पे दो स्लोप मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ कर्व जो है दो बार रोटेट हो रहा है। अगर कर्व एक ही बार रोटेट होगा तो कम से कम एक जो है स्लोप जरूर मिलेगा, टेंजेंट जरूर मिलेगा जो स्लोप ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर दो से ज़्यादा बार जो है हमारा कर्व टर्न कर रहा है तो दो से ज़्यादा भी हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस ए बी को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके इक्वल मिला दें, जो आपका ए बी ऐसे है इस तरह रोटेट करके अगर ऐसे ला दें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा। जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम एक प्रकार से रोल्स थ्योरम ही होता है। बट रोल्स थ्योरम में क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नहीं होता है। रोल्स थ्योरम में हम जो स्लोप फाइंड आउट करते हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल देखते हैं, यहाँ पे हम स्लोप ए बी के पैरेलल निकालते हैं उस टेंजेंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार मीन्स वैल्यू थ्योरम के स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं। मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंडर में वो कोई फंक्शन है, तो अगर वो दो कंडीशन वेरीफाई करे, फर्स्ट की वो फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंसिबल हो ओपन इंटरवल ए बी, तो ये कम से कम एक वैल्यू सी ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो एफ उसका डिफरेंशियल उसके स्लोप के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेंगे उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, वेरीफाई लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव सॉरी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इज इन क्लोज इंटरवल जीरो फोर। तो गिवन दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, फ्रेंड्स जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इन ओ क्लोज इंटरवल 0, 4। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम कंडीशंस को वेरीफाई कराएंगे। फर्स्ट कंडीशन, सिंस f(x) इज द पॉलिनोमियल ऑफ x, f(x) क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल ऑफ x है। कैसे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, f(x) इक्वल टू है f(x) इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। इसमें क्या है, सारे x के ही पावर, एक ही वेरिएबल के पावर्स हैं और कांस्टेंट है, इसलिए ये x का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप पिछले वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0, 4, या हम इसे दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर हम जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल पे हमारे जो क्लोज इंटरवल 0, 4 है, इसकी कोई भी वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में रखें एक्स के प्लेस पर तो इसकी एक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। कहने का मतलब ये सारे क्लोज इंटरवल 0 से 4 की सारी वैल्यू क्या करेगा, इसमें इस फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसे दूसरे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 0, 4, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0, 4। अगेन सेकेंड कंडीशन, एफ डैश ऑफ एक्स, इसे डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 18x प्लस 23x का डिफरेंशियल 23 और 15 का डिफरेंशियल 0, हमारा डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा f' ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 23 इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग ओपन इंटरवल 0, 4, सो एफ ऑफ x इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल 0, 4। अब दोनों कंडीशन वेरीफाई कर गया फ्रेंड्स, तो हेंस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइड ऑल टू कंडीशंस ऑफ लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। सो
there exists a value of x equal to c such that f dash of c equal to f of b minus f of a upon b minus a. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम f ऑफ b निकालेंगे और f ऑफ a निकालेंगे. तो फ्रेंड्स हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, यहाँ पे f ऑफ 4 मतलब f ऑफ b निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू क्या है 4 गिवन है क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो 0 और 4 है. तो फर्स्ट जो है a की वैल्यू होता है और सेकेंड वाली वैल्यू b की वैल्यू होता है. एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 23 इंटू 4 माइनस 15, तो 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 4 4 16 16 9 जा 144 23 4 जा 92 माइनस 15 सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 आ गया, एफ ऑफ 4 आ गया माइनस 3. और एफ ऑफ 0 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 23 इंटू 0 माइनस 15 आ गया इसका माइनस 15. तो फ्रेंड्स इसमें रख देंगे फार्मूले में तो हो जाएगा एफ ऑफ एफ डैश ऑफ सी, एफ डैश ऑफ एक्स से निकाला था आपने 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 23, एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 23 इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4 माइनस 0. तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 23 इक्वल टू एफ ऑफ 4 की वैल्यू माइनस 3 आया है तो माइनस 3 बीच माइनस है माइनस लगा दिया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू माइनस 15 आया है तो माइनस 15 अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 15 प्लस हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा. इसका मतलब हमारा आ गया 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 23 इक्वल टू c इक्वल टू 3, 3 को उधर लाएंगे 23 में माइनस होगा 20 हो जाएगा. ये आ गया आपका 3 इम्प्लाइज दैट 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 20 इक्वल टू 0. इसका फैक्टर करेंगे तो नॉर्मल इसका फैक्टर नहीं होगा, जब नॉर्मल फैक्टर नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य जो है नियम होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी फैक्टर जो किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. उसका फॉर्मूला ये है फ्रेंड्स कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहाँ पे b a इक्वल टू है 3, b इक्वल टू है माइनस 18, c इक्वल टू है 20. इस फॉर्मूला में रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर 24 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 इंटू 20 करेंगे तो 240 आ जाएगा डिवाइड बाय 6. सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 प्लस माइनस 324 में से 240 जाएगा तो 81 बचेगा, 81 का अंडर रूट 9 होता है तो 18 प्लस माइनस 9 अपॉन 6 तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 5. तो हमारा आ गया सी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 5. एक बार प्लस करेंगे तो 4 अपॉन 5 आ जाएगा, दोबारा माइनस करेंगे तो 1 माइनस 5 आएगा. अब देखो इसमें कम से कम एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसा जरूर होना चाहिए जो ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करे. तो ओपन इंटरवल 0 4 में तो 4.5 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन 1.5 एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब हमें एक वैल्यू ऐसा मिल गया जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है. तो सिंस c इक्वल टू 1.5 बिलोंग 0 ओपन इंटरवल 0 4 एंड f डैश ऑफ 1.5 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेप ना भी लिखेंगे चलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे सिंस c इक्वल टू 1.5 बिलोंग 0 4. ओके स्टूडेंट्स, हैंस लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई. ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं. लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें अगर कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स और किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई तब होगा स्टूडेंट्स जब दो कंडीशन पहले जो है वेरीफाई करे. पहला है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी इन बिलोंग ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये आपका लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है फ्रेंड्स. अब हम होमवर्क में दो क्वेश्चन लेंगे, वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इन क्लोज इंटरवल 0 एंड 1 अपॉन 2. सेकेंड क्वेश्चन इज वेरीफाई लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7x प्लस 10 इन क्लोज इंटरवल 2
एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मैथड से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।